हेलो इंजीनियर्स, दिस इज कंति। तो आज आपके लिए है बहुत ही बढ़िया एक गैजेट जो होगा आपके शूज की मदद से अपने खुद के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। लिथियम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, कोई भी बैटरी हो आप चार्ज कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ ये जो सेंसर है इसके मदद से हम लोग जो कि वोल्टेज को प्रोवाइड करेंगे और इस सर्किट के मदद से बैटरी को चार्ज कर सकेंगे। तो ये जो शूज है ये ह्यूमन पावर से हम लोग कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, मतलब जो कि आदमी जो है वो इसको पहनेगा और दौड़ेगा, दौड़ने के बाद ऑटोमेटिकली ये पावर एब्जॉर्ब होगा। ओके, यहाँ पे जो कि पावर आ जाएगा और पावर के मदद से ये बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो चलिए, ये जो बढ़िया एक गैजेट है इसको हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं और इसका यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताते हैं इस वीडियो में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम लोगों को इसके बारे में जानना होगा जिसके मदद से हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पीजो, जो कि बाजार, ठीक है। तो ये पीजो बाजार है, तो इस पर दो जो कि कवर है, नीचे की तरफ एक कवर है, यहाँ पे एक कवर है। तो नीचे की तरफ जो साइड में जो कवर आप देख रहे हैं ये है पॉजिटिव और मिडिल का जो है वो होगा नेगेटिव। तो इसके मदद से हम लोग जो कि वायर की मदद से हम लोग इसको वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इसको जब भी हम लोग मूविंग करेंगे तो इसमें से वोल्टेज आउटपुट होते हैं। आपको अभी दिखा था, तो अभी देख सकते हैं मैंने पीजू बाजर को जो कि मल्टीमीटर के साथ कनेक्शन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है और मल्टीमीटर को मैंने बोल्ट की तरफ कर दिया है जो कि DC बोल्ट। तो जब भी इस पर प्रेस करेंगे तो देखिएगा इसमें वोल्टेज अप एंड डाउन करेगा। तो देखिए मैं इस पर प्रेस कर रहा हूँ, जितना अच्छा प्रेस हो रहा है उतना अच्छा वोल्टेज इसमें आ रहा है। आप देख सकते हैं इस पर बहुत ही अच्छे से वोल्टेज इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये प्रेस की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कई सारे अगर एक साथ करके अगर इसको एक साथ प्रेस करेंगे तो ज़्यादा वोल्टेज आएगा, मतलब करंट भी ज़्यादा आएगा। तो आने पर हम लोग किसी भी चीज़ को हम ग्लो कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी ग्लो करके दिखाता हूँ, चार को एक साथ कनेक्शन करके मैं आपको एक LED ग्लो करके दिखाता हूँ। तो अभी देखिए मैंने इस कवर के अंदर चार फिट कर दिया है, सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव एक साथ कनेक्शन करके आउटपुट कर दिया है। और ऊपर की तरफ जो है उस पर देखिए छोटा छोटा बॉल इसमें हमने दे दिया है जो कि 3D प्रिंटर से मैंने इसको ड्रॉ किया है। तो अभी इसको जब भी इसको लगा के जब भी प्रेस करेंगे तो ये LED ग्लो करेगा। तो मैं अभी जो लाइट इसमें आ रहे हैं वो लाइट को बंद कर देता हूँ आपको दिखाई देने के लिए। तो अभी बंद कर देते हैं, तो अभी बंद कर दिया आपकी, अब मैं प्रेस करूँगा आपको दिखाई आएगा। देखिए ये ग्लो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने इस पर जो वोल्टेज इसमें आउटपुट हो रहा है इसमें से मैंने एक LED को ग्लो करने के लिए दे दिया है। जब भी ज़्यादा वोल्टेज इसमें प्रोवाइड करेंगे तो LED जो कि बर्न भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसके मदद से हम लोग आसानी से जो कि शूज़ के मदद से हम लोग जो वॉकिंग करते हैं हम लोग उसी का पावर को हम लोग एब्जॉर्ब करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए इसके मदद से हम लोग बैटरी किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट आज हम लोग बनाएंगे। इसको बना दिया है, ये है जो कि इसमें से वोल्टेज आएगा, लेकिन इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो अप एंड डाउन करेगा, एक बार ज्यादा आएगा एक बार कम आएगा। इसलिए मैंने इसके लिए एक सर्किट बनाना पड़ेगा, इसको एक सर्किट बनाएंगे। तो ये सर्किट के जरिए इसका जो वोल्टेज है वो मेजर करेगा, मतलब इनपुट जो भी वोल्टेज आएगा वो सर्किट पे आ जाएगा और सर्किट इसको फिल्टर करके आउटपुट में एक ही वोल्टेज छोड़ेगा। तो अभी चलिए ये जो डिवाइस है इसके जरिए हम लोग जो सर्किट बनाएंगे वो सर्किट हम लोग पहले बनाते हैं, उसके बाद इस डिवाइस को हम लोग उसी सर्किट पे लगा के इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए सर्किट को पहले बनाते हैं।
तो अभी आप लोग देख सकते हैं सर्किट को मैंने कंप्लीट कर दिया है, बहुत ही छोटा सर्किट है तो इस पर ज्यादा कंपोनेंट्स लगा नहीं हुआ है। इसका इनपुट पे हम लोग लगाएंगे, इस डिवाइस को हम लोग लगाएंगे इनपुट पे और आउटपुट पे लगाएंगे बैटरी को, जो बैटरी हम लोग चार्ज करेंगे। तो मैंने इस पर ज्यादा जो कि पीजू बजर नहीं लगाया है, चार पीजू बजर लगाया है, इसलिए हम लोग चार्ज करेंगे एक ही बैटरी को चार्ज करेंगे, जो लिथियम बैटरी होगा वो बैटरी हम लोग चार्ज करेंगे। तो अभी इसका आउटपुट पे हम लोग लिथियम बैटरी को लगा देंगे, लगाने के बाद ये आसानी से चार्ज हो जाएगा। और इसका सर्किट डायग्राम सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो कि अभी हम लोग इसको फिट करेंगे, फिट करने के बाद आपको रनिंग करके दिखाएंगे किस प्रकार से ये चार्ज होते हैं। तो हम लोग अभी बैटरी को पहले हम लोग मापते हैं कितना वोल्टेज अभी इसमें है, उसके बाद हम लोग इसको लगा के जूते में लगा के हम लोग दौड़ेंगे, दौड़ने के बाद हम लोग फिर से इसको टेस्ट करेंगे। तो बैटरी को खोलते हैं, खोलने के बाद हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कितना चार्ज हुआ है अभी। तो इस बैटरी का वोल्टेज हम लोग टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो देखिए 2.88 समथिंग दिखा रहा है, मतलब 89 इतना ही दिखा रहा है। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, मतलब इसको हम लोग चार्ज करके हम लोग फिर से टेस्ट करेंगे, करने के बाद हम लोग देखेंगे इसका चार्ज इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। अभी आप लोग देख सकते हैं ये चार्ज हो गया है, करीबन 15 मिनट मैंने इसको लगा के दौड़ा है। तो दौड़ने के बाद अभी इसको टेस्ट करेंगे, तो अभी देखिएगा इसका टेस्टिंग करके देखते हैं। तो अभी देखिए 3.89 समथिंग दिखा रहे हैं, मतलब ये चार्ज हो गया है, मतलब 15 मिनट जो कि दौड़ने के बाद ये चार्ज हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा से चार्ज होता है, तो इसको हम लोग यूज करके बहुत ही ईजी से कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक बैटरी चार्जर बना सकते हैं, वो भी ह्यूमन पावर को यूज करके। तो ये वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।